हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती की परमानेंट वैकेंसी। सरकारी नौकरी सैलरी 44,900 से लेकर 1,42,400 मिलेगी। यहां पर हम बात करें हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने स्पेशल एजुकेशन टीचर के सहित 863 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे हैं। 20 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी। और यहां पर हम बता दें कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से, इसके अलावा ओबीसी से केवल 100 रुपीज जो है यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जा रहे हैं। बाकी जो कैटेगरी हैं जैसे एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, और इसके अलावा वुमेन कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, कोई भी जो है एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को फीस के बारे में ही दिखा देती हूँ कि यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फीस आप लोगों को ऑनलाइन ही जो है फिल करना होगा फॉर्म। तो 100 रुपये जो है मात्र यहाँ पर लगेंगे। वुमेन कैंडिडेट, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, कोई भी जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फीस आप लोगों को नहीं देनी है। तो यहाँ पर जो है स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए जो है यहाँ क्वालिफिकेशन क्या कही गई है कि अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ में बीएड स्पेशल एजुकेशन में किया है या फिर आपने सामान्य बीएड भी किया है और साथ में 2 साल का जो है यहाँ डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन का आपने किया है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन में, तो आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। साथ में CTET Paper 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। पे स्केल जो है यहाँ पर देख सकते हैं 44,900 से लेकर 1,42,400 तक आप लोगों को मिलेगी लेवल 7 के अकॉर्डिंग, यानी काफी अच्छी सैलरी आपकी रहने वाली है। एज लिमिट जो है यहाँ 30 ईयर रखी गई है। बाकी एज रिलैक्सेशन जो है कैटेगरी वाइज दिया गया है। अभी जो है वैकेंसी कितनी है, तो 22 जो है वो वैकेंसी निकाली गई है स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए, ठीक है। और लास्ट डेट जो है, जो कि मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है या फॉर्म फिल नहीं किया है तो अभी आवेदन आप लोग कर सकते हैं। ओपनिंग डेट जो है 21 नवंबर 2023 से आवेदन प्रारंभ है और क्लोजिंग डेट जो है 20 दिसंबर रहने वाली है, ठीक है। बिल्कुल भी बिना मिस्टेक के फॉर्म भरिएगा, क्योंकि हो सकता है जो है करेक्शन का टाइम जो है आप लोगों को ना मिले। तो और भी जो है कई वैकेंसी हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की हैं। इसके बाद जो है DSSSB की तरफ से जो है वो आगे और भी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अभी बहुत संख्या में जो वैकेंसी है इनके द्वारा अभी नहीं निकाली गई है, ठीक है। और अभी देखिएगा आप लोग, यहाँ पर वैकेंसी जरूर आएंगी। तैयारी जो है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल लगातार करते रहें, क्योंकि वैकेंसी आ जाती है और टाइम जो है कम मिल पाता है। जैसे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ही देख लीजिए आप, टीचिंग के लिए जो भी एग्जाम हुए हैं फटाफट से जो है वहाँ काम हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर जो है PRT के लिए, TGT, PGT के लिए और भी कई वैकेंसी आएंगी, अभी आई नहीं है। तो अभी जो है तैयारी बिल्कुल आप लोग करते रहें रेगुलर, क्योंकि अचानक से जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे और उसके बाद जो है आप लोगों को समय भी इतना नहीं मिलेगा। किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए जो है आप काफ़ी जो है सिलेबस होता है उसको कवर करने के लिए टाइम भी काफ़ी चाहिए होता है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो ये जो है यहाँ पर पोर्टल दिया गया है DSSSBonline.nic.in। यहाँ पर जाकर आप लोगों को आवेदन करना है। ज्यादा फीस भी नहीं है, मात्र 100 रुपए है जनरल कैटेगरी की और ओबीसी कैटेगरी की। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का सिलेक्शन एग्जाम के द्वारा होगा, एक जनरल पेपर होगा और उसके बाद जो है आप लोगों का सब्जेक्ट से संबंधित एग्जाम लिया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल EWS को 40% जो है आने ही चाहिए, ओबीसी दिल्ली के हैं 35% आने ही चाहिए, एससी एसटी पीएच 30% जो है मार्क्स इनके आने ही चाहिए, ठीक है, तभी आप लोगों का जो है आप लोग पास माने जाएंगे। नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एससी एसटी ग्रुप बी और सी के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी में ग्रुप बी और सी, ये ग्रुप जो है वो ध्यान में रखना है, 3 साल की छूट है। पीडब्ल्यूडी के लिए जो है यहाँ पर बी और सी ग्रुप के लिए 10 साल की छूट है, और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के हैं अगर तो 15 साल की छूट है, और उसके बाद जो है यहाँ ओबीसी के हैं अगर आप पीडब्ल्यूडी के तो ग्रुप बी और सी के लिए 13 साल की छूट है, ठीक है। तो ग्रुप बी और सी के लिए ही जो है आयु में यहाँ पर छूट दी गई है। अगर हम वुमेन की बात करें तो यहाँ सामान्य वर्ग की महिला को कोई भी जो है उम्र में रियायत नहीं दी गई है। ग्रुप सी के लिए केवल यहाँ छूट दी जा रही है जो विडो हैं, डाइवोर्स वुमेन हैं, ठीक है, 35 साल यहाँ पर रखी गई है सामान्य की। अगर एससी एसटी कैटेगरी की है तो 40 साल है और ओबीसी की 38 साल है। ग्रुप बी और सी क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जैसे ग्रुप सी फार्मासिस्ट है, उसके बाद जो है टेक्निकल असिस्टेंट है, ठीक है, इस तरीके से साइंटिफिक असिस्टेंट ये ग्रुप बी है,
ठीक है, स्पेशल एजुकेशन टीचर ये ग्रुप बी में है, ठीक है। टोटल जो है वो 22 वैकेंसी आई है, और भी आप देख सकते हैं नीचे किसी में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं। लाइब्रेरियन जो है ग्रुप बी में है, मैट्रोन जो है और वार्डन, ठीक है, वार्डर की है, तो यहाँ पर फीमेल मैट्रोन के लिए और वार्डर मेल के लिए, ये ग्रुप सी में है। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग जो मेन वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग विज्ञापन को अच्छे से देख सकें। लास्ट डेट 20 दिसंबर है, समय से रहते आप लोग फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि यहाँ सरकारी और परमानेंट जॉब जो है वो काफ़ी टाइम के बाद जो है वो देखने को मिलती है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी है, दिल्ली में ही जो है आप लोगों की जॉब लगेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।